प्रार्थना भवन टीवी जो प्रभु यीशु का चैनल है, देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी में प्रतिदिन संतों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। ईसाई धर्म में संत वही है जो प्रभु यीशु के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे। कुछ संत तो प्रभु यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, पर वे सारे संत अपना पूरा जीवन दुख उठाते हैं और पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि फादर जोसेफ जी, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु से प्रेरणा ली है, वो आज आपको संतों के बारे में बताएंगे। और यदि आप संतों के बारे में अधिक जानकारी जानने के इच्छुक हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 8437108389 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tagdijosh@gmail.com। February 19, संत कोनराड धर्मवीर। यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावते पेणो अते बच्चे, आज दे दिन कलीसिया एक महान संत, संत कोनराड दा ईद मनाऊं देखा। संत कोनराड दा जन्म एक कुलीन परिवार विके उत्तर इटली विके होया सी। उना दा शादी उदों जवान सी उदों हो गया। इसके बाद वो फौज विच भर्ती हो गया। दिगास्थान दस्ता है कि संत कोनराड दा एक कांस काम सी शिकार करना, शिकार ले जाना। एक बार इस तरह हो गया है कि वो शिकार दे ले गया। उन्होंने एक जानवर नू पकड़ने ली, एक जाड़ी नू अग डाला। उदोम एक बड़ा तूफान आ गया। इससे कारण सारे आले दुआले इलाके विके ये अग फैल गया। इससे रागी खेतां विच भी, जंगलां विच भी अग फैल दे रागी बहुत नुकसान लोकानु हो गया। उस समाम उते के इत लकड़गार सी उनानु पकड़ गए। उन्होंने अदालती मुकदमा किया कि उन्होंने दोषी ठहराया गया सी। हरिदों तक उन्होंने मौत सजा सुनाया गया सी। जदों संत कोनराड ने यह सुनिया, उन्होंने आपने आप अगे आके अपना पाप मन लिया कि ये अपराध उन्होंने किया है कि उन्होंने कारण लोगों को नुकसान हो गया है। संत कोनराड ने वचन दिया है कि उन्होंने इसका कुफारा करना गए, इस करके उन्होंने धन दौलत बेच के उन्होंने लोगों ने दिता, अरे बाकी गरीबों विच वंड दिता। इसके बाद उन्होंने अरे अपने पत्नी ने धार्मिक जीवन करने का फैसला किया। संत कोनराड दा पत्नी संत क्लेयर दा जमात विच शामिल हो गया। अरे संत कोनराड संत फ्रांसिस असीसी दा तीसरा जमात विच शामिल हो गया। उन्होंने एकांतमय जिंदगी बिताया। नोटो सिसिली दे एक इलाके विके उन्होंने जाके प्रार्थना करते हुए, कुफारा करते हुए 30 दिन अपनी जिंदगी बिताया है। इसी का स्थान दस्ता है कि 19 फरवरी 1351 विके इस संत दा मृत्यु हो गया। जदों संत खुड़ने टेके प्रार्थना करगा सी, उसे वेले मृत्यु हो गया। संत कोनराड नू थन निकोलास ते गिरजाघर विच दफना दिता गया सी। हाँ, वसीम खुदा दे नाम बजान वसीम छेते करिए संत मरकोस अंजील उन्हां दे 13:28 तों लेके 31 तक। अंजीर दे रुख तों सिक्क्या लवो, जदों उसदियां टाणियां नरम हो जाणगियां अते उन्हां नू पत्ते लगणगे शुरू हो जांदे हन, तां तुसीं समझ जाते हो कि गर्मी का मौसम नेड़े है। इस तरह जदों तुसीं ये गल्लां हुंदियां वेखो तां समझ लेना कि वो नेड़े है, सगों बूगे उते है। ये सच जानो, ये गल्लां इस पीढ़ी दे कदम होण तो पहलां भी पूरियां हो जाणगियां। आकाश ते धरती डल जाएंगे, पर मेरे शब्द कदी नहीं डलेंगे। असी प्रार्थना करिए। ये खुदा साढ़े बाप, तू ही पवित्र है, अदे तेरे तो बिना कुछ भी चंगा नहीं है। संत कोनराड दी प्रार्थना उते भरोसा रखते हुए अदी देरे गए ये बेंदी करते आमगी, तू सानू अपने पवित्र
ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਖਾਇਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕਸ਼ਣੇ ਕੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਦਰਾਜ ਕਰਤਾ ਗਏ ਸਤਾ ਤੋਮ ਸਤਾ ਤੀਕਰ ਆਮੇਨ।